वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जी एस विद आशु। बिहार एस आई प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर का सेट नंबर 17 लगाते हैं, जिसमें टोटल 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कुश्ती को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, परामिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, नागालैंड। 2022 साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन 15 जनवरी 2022 को कोहिमा नागालैंड में किया जाएगा। नागालैंड द्वारा आयोजित यह पहला राष्ट्रीय एथलेटिक्स आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर निम्न में से किसे मंजूरी प्रदान कर दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सौरभ कृपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 16 नवंबर को। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश को प्रदान की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मिस्र, और मिस्र की राजधानी है काहिरा। वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 18वां स्थान। 18वां स्थान भारत को ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सत्यनारायण प्रधान को। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहवें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
राइट आंसर ऑप्शन ए 168वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी वांग यापिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी चीन। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए रानी कमलापति के नाम पर। रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहली बार टी20 चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी पीसी मोदी को। पीसी मोदी को राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किया गया है। कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी मित्राब गुहा। मित्राब गुहा भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और यह पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी सिलवर्धन सिंह को। सिलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुनी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी लारा डेनाली। आयरलैंड की ऑलराउंडर लारा डेनाली को माह की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। थैंक यू।